वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। अभी अब हम पहुंचे हैं कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स में, जो मोवा में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं उसका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, कूलर भी मिलता है, ये कूलर है, पंखे भी मिलते हैं, एक से एक पंखे हैं यहाँ पर। पंखा आपका है एंकर और पैनासोनिक का है। यहाँ पर अगर आपका रूम छोटा है तो छोटा सा कूलर भी है, और ये मिनी वाला विंडो कूलर भी है। यहाँ पर टार्च भी मिलता है, फैन भी हैं। यहाँ पर फ्लेक्सिबल वायर भी आपको मिल जाएगा, फ्लेक्सिबल वायर है, स्पीकर वायर है, और खुले हुए वायर हैं जो आपको आवश्यकता पड़ता है। यहाँ आपको मॉड्यूलर स्विच जो पेंटा कंपनी का आता है, मतलब एंकर का है, तो जो जो मिलेगा मैं तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक कूलर लगा हुआ है। अच्छा, वो कूलर जो लगा है वो भैया के लिए लगा है, इसको मत देखो, लेकिन इस प्रकार का मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पर जो रखा है भैया आपको, अगर ट्यूबलाइट है ना, अगर आपको ट्यूबलाइट चाहिए, ये नए ज़माने वाला ट्यूबलाइट है, पुराने ज़माने वाला नहीं है। चोक वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, इसमें चोक नहीं लगा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है अंदर में। ये इसका अनबॉक्सिंग कर देंगे, ये कैसा रहता है मैं आपको बता रहा हूँ। वो भैया आपको खोल के दिखा रहे हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का रहता है वो। ये 10 वॉट का रहता है, जैसे बाथरूम सीढ़ी वगैरह में लगाना है तो उसके लिए पर्याप्त। हाँ, तो आपको क्या है, पर्याप्त रोशनी मिलेगा वहाँ पर। और ये वाले जो भैया हैं वो यहाँ के हेल्पर, मतलब सहायक हैं, वो हर चीज़ को दिखाना उनका काम है, या फिर कुछ रिपेयरिंग अगर करना होगा तो रिपेयरिंग भी करते हैं मेरे ख्याल से, तो रिपेयरिंग का भी उनका काम है। ये भैया यहाँ पर जला के दिखा रहे हैं, ये देखिए भाई साहब एक नंबर। इसका क्या प्राइस होगा भैया? ये 180 यहाँ पर 180 में आपको मिल जाएगा। भैया मेरे ख्याल से सस्ता दे रहा है, अदर जगह आप पूछोगे तो आपको ज़्यादा बताएगा वो। तो यहाँ पर थोड़ा संपर्क कर लेना, आपको लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, एक बार कृष्णा इलेक्ट्रिकल आ जाना तो ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मोटर, बड़ी साइज लेंगे तो 200 रुपये में। बड़ी साइज भी भैया दिखा देंगे, बड़ी साइज का आपको दिखा रहा हूँ, जो 20 वाट का आता है। ये 20 वाट का थोड़ा बड़ा रहता है, वो थोड़ा क्या भैया बहुत बड़ा रहता है वो। यहाँ पर बहुत 20 रुपये ऊपर में आ जाता है, ये बहुत बड़ा। इसका क्या प्राइस है? 200 रुपये मात्र 200 रुपये में इतना बड़ा आपको मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई साहब आपको, एक नंबर एक नंबर। और यहाँ पर आपको कंपनी भी मिल जा रहा है, यहाँ पर कंपनी आपको मिल रहा है ओरिएंट का, ओरिएंट जानी मानी कंपनी है, वो पंखा भी बनाती है। तो आप देखिए, आपको अगर जमे तो यहाँ ज़रूर आइए। ये आप बड़े हॉल में लगा सकते हैं उसको, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। ये जो भैया सामने में खड़े हैं वो इस दुकान के ओनर हैं, आपको जो भी इंक्वायरी करना है इन्हीं से करना है। भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर है 810-30-99-699। एक बार करेक्ट कर देंगे भैया, 810-30-99-699। हाँ, तो आप याद रखिए, आपको इस भैया से मिलना है कृष्णा इलेक्ट्रिकल, बार बार बोल रहा हूँ कृष्णा इलेक्ट्रिकल, जो मोवा में पड़ता है। और आपको यहाँ आना है ना, ये जो है पेट्रोल पंप पड़ता है, मैं आपको उसका मतलब वो बता रहा हूँ। हाँ, वो समझ जाएगा। इसके बाद ये भैया आपको यहाँ पर वैरायटी बता देंगे, क्या है, अभी गर्मी का सीज़न है तो यहाँ पर मोटर रखा हुआ है, कौन कितने पावर्स का है उसको भैया पूरा बता देंगे, और कौन कितने में लगेगा। जैसे 18 इंची मेरे ख्याल से लास्ट वाला 18 इंची है, ये है ना, वो 18 इंची है, बाकी आपका मोटर है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे भैया, ये वाला क्या है? ये छोटे कूलर में लगता है, 12 इंची 9 इंची कूलर रहते हैं। हाँ, ये चारों उसमें लगे। अच्छा, ये चारों देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्रम से दिखाता हूँ, ये चारों है ना, आप याद रखिए, ये चारों है ना। उसके बाद यहाँ पर और एक मोटर है जो मैंने कूलर लगाया है। हाँ, ये मोटर लगती है, ये देखो, ये यहाँ पर बता रहे हैं इसमें लगाए बोल रहे हैं ना। हाँ, इस वाले कूलर में लगाए भैया, देख लो। तो ये भी एक शक्तिशाली मोटर है, ये मेड इन 2021 का है, 2021 का मतलब लेटेस्ट ही मान के चलो, अभी 22 चल रहा है, और 22 का यहाँ पर है। तो इस तरफ से मैं दिखाता हूँ ये वाला मोटर, ये विंडो कूलर आते हैं 15 इंची 18 इंची। अच्छा, ये प्लास्टिक कूलर हो गए उनमें ये सारे लगते हैं। अच्छा, आपका 15 इंची में ये चारों है ना, और इसके बाद ये वाला जो, ये भी विंडो कूलर में आएंगे, ये 15 इंची है, ये सब 15 इंची है ना, आप याद रख लीजिए, इस वाले श्रृंखला में 15 इंची मोटर बोलते हैं। अच्छा, इसका एयर डिलीवरी ज़्यादा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये जीसी मोटर रहते हैं। अच्छा अच्छा, इसका साउंड कम रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये 18 इंच में वही एग्जॉस्ट डीसी। तो भैया इसमें आप प्राइसेस बताते जाएंगे, जैसे आपका ये 18 इंची है तो कितने का होगा? ये 1700 में मिल जाता है खाली मोटर आपको। 1700 में आपको ब्लेड नहीं मिलेगा, खाली मोटर मिलेगा, जो याद रखिए खाली मोटर है ना। आप सेट लेंगे
तो 2200 रुपये में पूरा सेट आ जाएगा। तो सेटअप अगर आपको चाहिए तो भैया वो भी अवेलेबल करा देगा, सेटअप अगर निकाल के एग्जॉस्ट करा मैं आपको सेटअप भी दिखाता हूँ। तो सेटअप को लाने के लड़का, अभी मैं वीडियो आगे चल रहा हूँ तो अभी रुक नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको क्या बोलते हैं, अगर पंखे की स्पीड कम हो गया है तो आपको ये लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का यहाँ पास दिया हुआ है, ये 2.5 MFD का है। ये सीलिंग फैन में लगता है, आप याद रखिए, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ, ये सीलिंग फैन में लगता है। इसके बाद आपको कूलर में लगाने के लिए भैया बताएगा कौन सा वाला कूलर में लगता है। कूलर में ये सारे लगते हैं, चार कूलर में, चार का लग जाता है, ये 6 MFD के हो गए, 6 का भी, 8 MFD हो गए। आप 8 MFD का थोड़ा अनबॉक्सिंग कर देंगे। और अगर छोटा कूलर है तो ये 2.5 MFD का, 2.5 MFD का भी लग जाएगा छोटे कूलर नहीं, लेकिन 2.5 का मेरे ख्याल से सीलिंग फैन में ही लगता है, सीलिंग फैन और जो 12 इंची कूलर आते हैं। हाँ, तो भैया बोल रहा है 12 इंची में भी लग जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। 8 MFD का, 8 देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 8 ऐसे करिए। हैवेल्स का, ये भैया एकदम ब्रांडेड है। तो इसका प्राइसेस बता देंगे कि 2.5 माइक्रोफैरड कितने का है और 8 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कितने कितने का है। 2.5 ये 30 रुपीस का आएगा जी, और इसमें हैवल्स में जाएंगे तो ये 35 रुपीस का है। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। और इसमें अगर सिर्फ 6 MFD में जाएंगे 60 रुपए का जी जी, 8 MFD में जाएंगे 70 रुपीस का। 8 MFD आप याद रखिए, आपको 70 रुपीस में अवेलेबल है। आप अगर दूसरी दुकान जाएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा में भी दे सकता है, क्योंकि इसमें जो MRP रेट रहता है भाई लोग, इसमें MRP राइट लिखा है 95। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक क्लियर आपको दिख रहा होगा 95 लिखा है। तो वो 5 रुपये बस छोड़ेगा, वो 90 में देगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। ये बिना खड्डे के बिकता है 120 रुपये। अच्छा, कहीं कहीं बिना खड्डे के भैया बता रहे हैं 120 में बिकता है। भैया के पास एक चीज़ और है, आप जैसे आपके पास मशीन है कटर मशीन, तो कटर मशीन का आपको डिस्क भी यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, आप भी मेरे ख्याल से लोहा काटने का होगा ना, लोहा काटने का है और लकड़ी काटने का भी मेरे ख्याल से है यहाँ पर। ये दोनों का प्राइसेस बताएंगे भैया कितने कितने का है। ये 15 रुपीस का रहता है जी, और ये 100 रुपीस का। अच्छा, आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर भैया के पास आना और ले जाना। यहाँ पर आपको CFL भी मिल जाएगा, वो भी ब्रांडेड है, मेरे ख्याल से हैवल्स का है यहाँ पर। तो भैया दिखा देंगे CFL, सारे हैवल्स के कैपेसिटर, वो अनबॉक्सिंग करके थोड़ा सा बता देंगे। CFL हैवल्स, हैवल्स, ये हैवल्स एकदम ब्रांड का CFL LED है भैया के पास, CFL नहीं है लगा है, तो LED है। आपको इसमें वारंटी भी मिलेगा भैया, इसमें साइन मार के देंगे, एक साल में साइन मार के देंगे भैया आपको। अगर ख़राब होगा आप सीधा निकालना और भैया के पास आना, भैया दे देना, भैया रख लेंगे। ये यहाँ पास आपको चालू करके दिखा रहे हैं कि रोशनी उसका कैसा है, ये वार्म वाइट रहेगा। ये देखिए यहाँ पर चालू है, अरे ये एक नंबर यहाँ पर चल रहा है, प्रकाश बहुत ही अच्छा है। ये वार्म वाइट है, आप लोग भी देख लीजिए। इसका प्राइसेस क्या है भैया? ये वार्म वाइट है, वार्म वाइट 120 का आता है, और नॉर्मल नेचुरल वाइट जो रहता है ना, अच्छा, वो 70-80 से भी चालू हो जाता है। उसमें नेचुरल वाला कौन सा है? नेचुरल वाला ओरियंट में आएगा। अच्छा, ये नेचुरल ओरियंट में आएगा बोल रहे हैं ना। ये भैया वहाँ पर लगा दिए, अरे भैया इसका भी प्रकाश बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। इसी में अगर आपको लाइट गोल से अगर आप परेशान हैं, आपके घर में अगर लाइट गोल होता है, तो आप इस चीज़ को ले जाइए भैया। ये एक नंबर सामान है। अगर लाइट गोल भी हो गया है, आप किचन में लगाइएगा इसको, तो अगर एक नंबर सामान है यहाँ पर, अगर लाइट गोल भी हो गया तो आपको लाइट जला के देगा ये। ये देखो भैया ने कुछ भी नहीं, सीधा हाथ में यहाँ पर लगाया है और हाथ की मदद से चल रहा है भैया। हाथ कैसे करेंगे, सही देखो, इस एंगल से दिखाएंगे। हाँ, ये देखो, ये भैया ने, ये भैया यहाँ पर देखो, ये देखो हाथ बस लगाया, ओनली हाथ। यहाँ पर कोई जादू चमत्कार नहीं है, उसको वैज्ञानिकों ने वैसे ही बनाया है। तो आपको लग रहा होगा कि बिना वायर के कैसे चल रहा है, तो कोई जादू नहीं है यहाँ पर। अब एक साल की गारंटी आती है जी जी। यहाँ पर शिक्षा जो कंपनी है, जो ब्रांड है, वो एक साल का वारंटी देता है, सब बोल रहे हैं। तो वारंटी में क्या पूरा रिप्लेस हो जाएगा कि? हाँ, रिप्लेस होगा, वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा बोल रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल से कुछ बैटरी लगता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ खुलता है, बैटरी रहती है, वो खोल के बता देंगे। ये देखो यहाँ पर बैटरी लगा है आपका, खराब होता है तो बैटरी अलग से लेके रिप्लेस। ये देखो यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो भैया के पास वायर भी हैं, ये वायर्स हैं आपको 1 mm से लेके
मेरे ख्याल से 7075 से लेके 0075 के ना 0.75 से लेके 1 mm स्क्वायर, 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर और 4 mm स्क्वायर का यहाँ पर अवेलेबल है। भैया के पास 6 mm का अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर मंगानेंगे तो भैया अवेलेबल करा देंगे। तो इसका भी प्राइसेस थोड़ा बता देंगे भैया। जैसे पॉलीकैप का लेते हैं, पॉलीकैप का 1 mm ये पकड़ लीजिए, पॉलीकैप में ये पॉलीकैप का है, पॉलीकैप यहाँ पर भाई दिखा रहा है पॉलीकैप का। तो इसका प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये भैया बताएंगे। मतलब पॉलीकैप 1 mm स्क्वायर अभी लेटेस्ट रेट चल रहे हैं 1200 रुपये 1 mm का। ये भी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, 1.5 mm का है जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें। अच्छा, ये 1.5 mm का है। इसका प्राइस क्या है? ये 1750। ये 1750 में भी आपको दे देगा। आप क्या करना है, एक बार मार्केट घूम लेना, मेरे ख्याल से यहाँ पर सस्ता लग रहा है। इसमें जो MRP रहता है, MRP कहाँ पर है? ये देखिए भाई साहब, MRP आपका लिखा है 3200 रुपये। अब आप सोचिए भैया आपको आधे रेट में दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आधे रेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप एंकर में भी आ सकते हैं। एंकर में जैसे 1.5 mm का लेते हैं ना, तो ये आपका आ जाता है 1700 रुपये। एंकर का 1700 रुपये है, भेज के MRP बताएं। इसकी MRP 3175। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर इसका भी MRP बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मतलब धोखाधड़ी वाला काम ही नहीं है। आप पूरा मतलब निष्पक्ष चल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद आपका आ जाता है 2.5 mm स्क्वायर का आप वायर, आपको पॉलीकैप में भैया बताएंगे। ये 2700 का पड़ता है, 2700 का पड़ता है बोल रहे हैं। और एंकर में, एंकर में 2600। एंकर का 4.0 कितना पड़ता है? एंकर का 4.0 4000 पड़ता है बोल रहे हैं। उसका MRP बता देंगे 4.0 का। ये आप जो देख रहे हैं वो 4.0 mm स्क्वायर है। ये आपका जो MCB लगा रहता है, मतलब जो मेन सप्लाई रहता है वहाँ पर MCB के कनेक्शन में लगा रहता है। तो इसके प्राइजेज है, देखिए यहाँ पर ध्यान से 4440 रुपये लिखा है भाइयों। तो आप MCB के पास इसका ज़्यादा उपयोग रहता है। क्या है, लोड आप 32 एम्पियर का वहाँ लगाएंगे या फिर 64 एम्पियर का लगाएंगे तो उसके लिए कम्फर्टेबल है ये। MCB का पैकेट लाना पड़ जाएगा, कोई भी वाला ले, 32 एम्पियर का लिया। ये भाई अभी खोज रहा है। ये आपका MCB है भाई साहब, MCB आता है कैटेगरी के हिसाब से। तो ये सी टाइप का है, सिंगल पोल सी टाइप का। ये भैया अनबॉक्सिंग कर रहा है उसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये भैया उसका और भी अनबॉक्सिंग कर रहे हो, क्या अंदर अंदर में पैक है वो। ये आपका है सी टाइप का है, 32 एम्पियर का है, एंकर का यूनो करके कुछ आता है। ये 240 वोल्ट और 415 वोल्ट, मतलब आपका 3 फेज में भी मेरे ख्याल से वर्क कर सकता है ऐसा लगता है। और इसका जो हर्ट्स है वो 500 हर्ट्स है, और एम्पियर आपका सह सकता है 6000 एम्पियर तक सह सकता है ये, इसका मतलब क्षमता। इससे अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो फ्यूज़ हो जाएगा ये। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस एंगल से भी दिखाना, ये पूरा ऐसा मोड़ के भैया बता रहे हैं ये। ये देखो आप इसी में 16 एम्पियर का बता देना, ये ISI है एकदम, माने बेफिक्र होके जाइए आप, एक बार लेंगे तो आपको देखना नहीं पड़ेगा। और ये एंकर कंपनी का आएगा, एंकर कंपनी का आएगा। ये प्राइसेस क्या है इसका? ये 120 आपको 120 में मिल जाएगा यहाँ पर। इसका MRP 191। MRP देखिए इसका 191 है। तो आपको भैया आपको मतलब 60-70 रुपये कुछ कम कर रहा है। अब मैं करेक्ट तो नहीं बता सकता, अनुमानित बता रहा हूँ। 71 रुपये कम हो रहा है, 71 रुपये कम हो रहा है। देखो भैया आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट करा रहा है यहाँ पर। ये 16 एम्पियर का, ये 16 एम्पियर का, ये भी सी टाइप है। इसमें पी टाइप भी आता है, तो पी टाइप का भी बता देंगे यहाँ पर। पी टाइप में हैवल्स का, ये अभी आप जो देख रहे हैं वो सी टाइप है। बाकी तो सब चीज़ वो वैसे ही दिया है। इसमें एम्पियर भी 6000 और हर्ट्स, तो हर्ट्स जो हर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ जो हर्ट्स रहता है वो 50 हर्ट्स तक माना गया है। तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज लेंगे तो 50 हर्ट्स का ही रहेगा, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए।
ये यहाँ पर भैया बी टाइप का बता रहे हैं, इसमें डीपी स्विच भी दिखा देंगे। ये डबल पोल का स्विच भी आता है, एमसीबी न लगा के उसको भी लगाया जाता है। ये भाई साहब यहाँ पर बी टाइप का 32 एम्पियर है, मैंने पहले आपको सी टाइप का दिखाया था, आप वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो बी और सी में थोड़ा अंतर रहता है, वो एम्पियर का मतलब कुछ का अंतर रहता है, वो मुझे टेक्निकल तो नहीं पता। 10,000 वोल्ट, ये 10,000 वोल्ट का है, और वो नहीं 10,000 एम्पियर ही की वोल्ट है, वोल्ट नहीं है, एम्पियर होगा। हाँ, 10,000 10,000 एम्पियर तक का इसका क्षमता है, और उसका 6,000 था, तो यही डिफरेंस है उसमें। डीपी जिसमें फेज न्यूट्रल दोनों रहते हैं। ये यहाँ पर डीपी स्विच है जो एंकर का है, ये डबल पोल है। एक ग्राहक आया हुआ है भैया यहाँ पर, कौन सा ये भैया यहाँ पर फैन का कैपेसिटर मांग रहा है, तो उनको 2.5 माइक्रोफैरड का कुछ चाहिए। ये भैया इसको चेक करके थोड़ा बता देंगे, देखिए भैया यहाँ पर चेक करके भी देते हैं आपको, है ना। ये देखिए भाई साहब, वहाँ चेक करेंगे तो थोड़ा चिंगारी आएगा, अगर चिंगारी नहीं आया मतलब वो ख़राब है समझिए। यहाँ पर जोर का झटका लगा है, भैया ने ज़्यादा देर तक चार्ज इसलिए नहीं किया कि अगर गलती से हाथ लग गया तो फिर शॉक लग सकता है, ज़्यादा समय तक लगाते तो बहुत ज़्यादा चिंगारी आता उसमें। ये भैया ने कितने में अभी सेल किया इसको, 30 रुपीज़ में आप फैन का यहाँ से ले जा सकते हैं, एकदम बेस्ट प्राइस है। इसका भी MRP कितना है भैया? इसमें MRP नहीं रहता, वैसे मार्केट में कई लोग 40-50 रुपये भी बेचते हैं। अच्छा 40-50 रुपये का भी बेचते हैं, यहाँ आपको 10 रुपये बेनिफिट है। अब ये देखिए डबल पोल, ये डबल पोल यहाँ पर दिखा रहा हूँ भाई साहब आपको, ये भी 32 एम्पियर का है, और इसका ये आप 3 फेज में इसको लगा सकते हैं कंफर्टेबल, क्योंकि लिखा हुआ है 415 वोल्ट। ये सिंगल फेज के लिए लगता है, 3 फेज के लिए TPN आता है, वो 4 MCB का रहता है। नहीं तो इसमें 415 वोल्ट लिखा है ना, अगर सिंगल फेज होता तो 230 वोल्ट का रहता। इसमें एक फेज दिया है, एक न्यूट्रल दिया, समझ गया मैं। हाँ। लेकिन वैसे ही आप 3 ठो लगा सकते हो ना, ऐसे 3 ठो लगाओ 3 फेज हो गया ना। हाँ, मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ भाई, TPN लगा दो ज़्यादा बेटर। तो इसमें आप ये 3 फेज का ही है, भैया को क्या है नॉलेज नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर देखो ये ऑफ, मेरे ख्याल से ये नीचे गिरता है तो ऑन रहता है, ऑफ रहता है, ऑफ हो जाता है। देखो नीचे आपका ग्रीन जो रहता है, ग्रीन में आया मतलब ऑफ, और भाई साहब इसको ऊपर उठाएंगे तो ये देखिएगा ये रेड हो जाता है ना, रेड मतलब खतरा है, आपको वहाँ छूना नहीं है, नहीं तो आप कहीं भी मतलब शॉक लगेगा तो भगवान के पास जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर है इसमें ना। इसके बाद भाई साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये भाई साहब गर्मी के दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, इसको बोलते हैं एग्जास्ट, ये लगता है आपके किचन में, आप हॉल में भी लगा सकते हैं गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किचन में ही लगाओ, हॉल में भी अपना मतलब आजकल तो सब जुगाड़ हो जाता है, ड्रिल मशीन भी आते हैं, गोल्स आपको कटवाना है और लगवाना है, तो इसका अनबॉक्सिंग करेंगे भैया। ये देखिए भाई साहब, ये भैया यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, और भैया आपको चला के भी दिखाएंगे कि कैसा चलता है, और मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि इसका प्राइजेस क्या है। जैसे बजाज के एग्जॉस्ट लेते हैं तो अपने यहाँ 1300 रुपये का मिल जाता है, और जैसे हैवल्स का है तो हैवल्स का ऐसे 1500 में मिल जाता है। हाँ तो भैया आपको ये दे देगा, ये कितना कितने वाली जगह में लग जाएगा, इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? ये 9 इंच का है, 9 इंच की ब्लेड है, मतलब गोलाई अगर कटिंग है तो 9 इंच का रहना चाहिए। अच्छा अच्छा, और बॉडी साइज देखेंगे तो 11 इंच रहता है। ये देखिए भाई साहब, इसमें जाली भी लगा हुआ है तो कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर भैया आपको चालू करके दिखाएंगे, है ना। आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए, आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो डिसलाइक। आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं वीडियो अच्छी बनाता भी हूँ कि नहीं, तो आप बेफिक्र डिसलाइक भी कर सकते हैं। ये भाई साहब यहाँ पर पंखा चालू हो गया है, भैया ने वहाँ सॉकेट में लगा दिया है। ये अभी सीरीज़ में है बोल रहे हैं, तो सीरीज़ में पंखा थोड़ा कम घूमेगा, तो आप ये मत समझिएगा उसकी स्पीड कम है, मान के चलिए भैया अभी चेक कर रहे हैं, फिर पैरेलल में लगा देंगे उसको। अब देखिए पैरेलल में लगा रहे भाई साहब, अभी सीरीज़ में ही लगा रहे हैं, अभी डायरेक्ट ये डायरेक्ट है बोल रहे हैं पैरेलल में।
तो भाई साहब यहाँ पर पैरेलल का स्पीड देख लो, यहाँ तो मुझे बहुत ही हवा आ रहा है। आप भी देखो, एक नंबर, एक नंबर यहाँ पर है। इसकी प्राइसेस क्या बताई थी भैया? ये 1300, ये 1300 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी में बड़े साइज़ का कितना रहता है उसका साइज? वो आता है आपका 1500। वो 1500 में थोड़ा बड़ा रहेगा इससे। अब हर चीज़ का अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाया जा सकता, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, उसको नहीं दिखा पाऊँगा। आप इसी से समझ जाइए, ये थोड़ा छोटा साइज़ का है। साइज भैया ने बता दिया है, इससे बड़ा वाला सिर्फ 3-4 इंच बड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आप लोग ये वाले लाइट भी बता देता हूँ, ये वाली लाइट अगर होगा तो दिखाइए। ये देखिए ऊपर में जो लाइट लगा है ना, देखिए ये जो लगा है भाई साहब, ये यहाँ पर ऊपर में लगा है, जिनके यहाँ फॉल सीलिंग लगा होता है। क्या लगा होता है? फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग जो लगा होता है ना, तो इस प्रकार का लगा होता है। यहाँ पर लाइटें बंद हैं, मैं उस तरफ दिखाता हूँ। इधर इधर देखिए, इधर ये पंखा यहाँ घूम रहा है। ये लाइटें एक नंबर लगती हैं यहाँ पर, देखिए क्या ज़बरदस्त लाइटें हैं यहाँ पर। भैया के पास तो पंखे का पूरा वैरायटी ही है। पंखा आपको मतलब आप यहाँ आ गए मतलब ले के ही जाओगे, ऐसा समझो। पंखा में आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये पैनल, ये आपका क्या लाइट? पैनल लाइट। ये आपका पैनल लाइट है भाई साहब। इसको भी भैया थोड़ा चला के दिखा देगा। इसका प्राइसेस क्या है? ये 320 का, 2 साल की गारंटी, 20-20 रिप्लेसमेंट। आप बेफिक्र 2 साल तक रहिए, भैया उसमें साइन मार के देगा आपको, डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। ए भाई साहब एक नंबर यहाँ पर रोशनी है। इसका जो लंबाई चौड़ाई कितना होगा? ये 6 इंच का रहता है, इसका ये साइज देखा जाता है पीछे का। इसमें मेरे ख्याल से वो भी आती हैं दोस्तों, अगर आपके घर में वो लगा है क्या बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, तो जंक्शन बॉक्स में भी एक चीज़ के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। एक पट्टा सा आता है इसमें, तो पट्टा हुक करके ड्रिल मशीन करके आप उसमें लगा सकते हैं। ये एक आइडिया है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा करके आप उसको लगा सकते हैं। उसको सरफेस लाइट बोलते हैं, वो भी आती है। हाँ, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बाकी जहाँ फॉल सीलिंग नहीं है वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर में फॉल सीलिंग होना चाहिए। अगर फॉल सीलिंग नहीं भी है तो आप उसमें लगा सकते हैं। किसमें? जंक्शन बॉक्स में। तो ड्रिल मशीन के सहायता से आपको कराना पड़ेगा। मैं आपको अब पंखे दिखाता हूँ, पहले तो आयरन दिखा देता हूँ, आयरन को अनबॉक्सिंग करेंगे। ये यहाँ पर आयरन है भाई साहब, और वो भी बजाज ब्रांड का है। ये इसका क्या कीमत होगा भैया? ये हैवी वेट वाला आयरन है। ये हैवी वेट है बोल रहे हैं भैया? ये 1300 का, वैसे बजाज में 600 रुपए से चालू है। ये कितना केजी का होगा इसका वजन? ये 2 किलो का है। ये 2 किलो का है भाई साहब। पूरा मत खोलो, पूरा मत खोलो, दिख रहा है, उसको भी दिखा दो। और इसमें कम प्राइस वाला लेने जाएंगे तो 600 रुपए से ब्रांड में स्टार्ट हो जाएगा। 600 वाला बता देंगे कौन सा है। ये हैवल्स, ये आपका हैवल्स का है, ये भी ब्रांडेड है। ये पूरा अनबॉक्सिंग हो गया, देखिए कितने का भैया? ये 1000 रुपये। ये आपको 1000 रुपये में मिलेगा। ओ भैया एक और यहाँ पर जो बोल रहे थे 600 में मिल जाएगा, उसको दिखा देंगे। ये भाई साहब आपको 600, मात्र 600, ओनली 600 में मिल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर 600 का प्रेस है ना, ये 600 का है। इसमें एडजस्ट करने का दिया हुआ है, क्या इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, ये थर्मोस्टेट आप देख लीजिए उसका, बहुत ही बेहतरीन है 600 रुपये में। अब इसके बाद मैं आपको पंखे की श्रृंखला दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए भाई साहब पंखा यहाँ पर है, कौन कौन से ब्रांड का है वो तो नहीं पता मेरे को, लेकिन यहाँ पर लाइन वार से जमाया गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ये यहाँ पर पंखा भाई साहब एक नंबर, हर प्रकार के कलर हैं यहाँ पर, हर प्रकार के आपको पंखे मतलब आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पंखे अगर पसंद आ जाएंगे तो लेके ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको टेबल फैन भी मिल जाएगा, देखिए वो टेबल फैन यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, ये बजाज का है ये टेबल फैन। आपको छोटी मोटी चीज़ भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको निकालना, ये आपको क्लैंप भी मिल जाएगा, जो अभी गर्मी के दिनों में पाइप जो लगता है ना, 1 इंची पाइप में 1 इंची है, और देख देख के भी है, तो आप क्लैंप भी रखते हैं भैया यहाँ पर। आपको यहाँ पर सेलो टेप भी मिल जाएगा, सेलो टेप भी हर ब्रांड का मिल जाएगा यहाँ पर।
तेल वोटे बता देंगे। ये देखिए भाई साहब, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, देखो स्विच और सॉकेट है एंकर का, उसके बाद रखे हैं ये देखिए यहाँ पर एक नंबर ये देखिए भैया एक नंबर यहाँ पर भैया ने जमाया है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये पूरा लाइट की श्रृंखला है ना, लाइट्स आपको जो लाइट्स ये